सो है व्हाट इज अप गाइस। तो कैसे हो सारे लोग। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ एमुलेटर 0.12.5 का जो लैग फिक्स करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। और बहुत लोगों का एमुलेटर लैग करता है पबजी मोबाइल में, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाता है उस वीडियो के ऊपर हमने 50,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। और बहुत अच्छा उसके ऊपर मेरे को रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे कमेंट्स अच्छे लाइक हो गए, 1,500 लाइक हो गए उस वीडियो के अंदर। आपको देखना वीडियो वो भी देख सकते हो। बट अभी मैं न्यू ट्रिक्स लेके आया हूँ, मतलब कि न्यू लैग फिक्स के सेटिंग्स लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको गाइज इसके अंदर 3 स्टेप्स फॉलो करने। फर्स्ट स्टेप आपको बता दो, आपको आपको जो टास्क बार दिखता है, ठीक है, जो नीचे वाला हमारा टास्क बार दिखता है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, ठीक है, सिर्फ टास्क मैनेजर ऊपर करना है। ये जैसे आप ओपन करते हो आपको इसके अंदर कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है गाइस, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले आपको जो टेंशन गेमिंग बड़ी 32 बिट देख रहा है, जिधर आपका सीपीयू जिधर आपका मतलब सीपीयू जा रहा है, परसेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके गो टू डिटेल्स कर देना है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड एमुलेटर .exe ऐसी एक इधर एक एप्लीकेशन दिखेगा, उसके ऊपर भी आपको राइट क्लिक करके सेट प्रायोरिटी के ऊपर क्लिक करके आपको इसको रियल टाइम कर देना गाइस, ठीक है। इसको रियल टाइम कर देने के बाद इसको चेंज प्रायोरिटी कर लेने का। इसके बाद आपका 40-45% लैग फिक्स हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको बता देते, अभी इधर मैंने FPS ऑन किया है, गेम के बाद भी बताऊंगा आपको FPS मेरे कितने रहते हैं, ठीक है। तो फुल 60 FPS ये दे सकते हैं हमारा ये सेटिंग, ठीक है। तो आपको बता दो क्या करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके आपको इधर जो क्लीन कैच दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको एक बार क्लिक कर देना भाई, ठीक है। इधर इधर भी आपको लिखा है क्लियर इन द कैच कैन फिक्स गेम एक्सपेक्शन, उसके बाद क्रैश चॉपी कनेक्शन, ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ओके कर देना है। जैसे ओके होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा और हमारा गेम जो है फिर से हमको रिस्टार्ट करने की बोलेंगे। हमको रिस्टार्ट नहीं करने गए, उससे थर्ड वाली स्टेप आपको फॉलो करनी है, थर्ड वाली लास्ट स्टेप, ठीक है। मेनू के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेटिंग खोल देना है। और जैसे आप सेटिंग खोल देंगे, अभी जो सेटिंग खोलेंगे और आपको इधर इंजन दिखाई दे रहा है, इंजन के ऊपर जाके आपको ये जो एनफोर्स, ठीक है, एनफोर्स ग्लोबल रेंडर कैच है, ये जो दिख रहा है आपको इसको अनटिक करना है, ठीक है। इसको आप टिक करोगे तो आपका स्क्रीन टियरिंग होता है, ये मैंने बहुत बार मतलब देखा है। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, आप एनफोर्स ग्लोबल रेंडर कैच है इसको अनटिक करके उसके बाद जो एंटी अलाइजिंग रहती है वो क्लोज कर देना। और किसको मेरी सेटिंग देखनी है तो ये सेटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप ये सेटिंग सेट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, बट मैंने इस बार और सेटिंग में चेंजेस किए। मैंने डायरेक्ट एक्स रखा है, मेमोरी ऑटो पे रखा है, प्रोसेसर ऑटो पे रखा है, रिजोल्यूशन मेरे जो पीसी मॉनिटर के वही रखे और DPI 160 रखे, सेव कर देने का बाकी कुछ नहीं गाइस। ये हमारा जो गेम है अब पहले से रिस्टार्ट, मतलब उन लोगों ने जब हमने क्लिन कैच किया था तभी हुआ था, तब मैं फिर से गेम स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ गाइस गेम स्टार्ट होने के बाद ये कैसा चलेगा और 60 FPS देगा कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं ये भी चला इसको ओके कर देना गाइस आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो क्या है कि मेरे अभी OBS ऑन है, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है ये 60 FPS पूरा नहीं देगा, बट दे दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। बट ऑफलाइन में गेम पे 100% बोलता हूँ गाइज हम 60 FPS आराम से देते हैं। ये आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक डाला है। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके रखिए, हम स्ट्रीम भी करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिए। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि हमारे इतने तो FPS आ रही है, और कुछ ना कुछ मैं नए अपडेट्स उधर लेके आता रहता हूँ। तो जैसे कि मैं अभी स्टार्ट हो, अभी देखा मैंने क्लिन कैच किया तो गेम बहुत जल्दी मतलब क्या बोलते हैं उसको स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को फिर से अभी 218 MB का अपडेट आया क्योंकि मैंने क्लिन कैच किया, तो आपको अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर लेना है, 218 MB का अपडेट आएगा। तो जैसे कि ये वीडियो में इतना पार्ट जो स्किप करके मैं फिर से गेम आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर से लॉग इन का ऑप्शन आएगा और सब आपकी सेटिंग जो जाती है वो आपको रिटर्न करनी पड़ती है। ऐसे भी सेटिंग में तो आपको पता ही है ज़्यादा कुछ नहीं करने का। तो सबसे पहले मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो सके, ठीक है। तो इसको मैं फुल करके मैं बता रहा था अभी इसके अंदर की भी सेटिंग क्या रहती है मेरी। तो इधर पिक एंड फायर तो इनेबल कर लेते हैं। ग्राफिक्स में आने के बाद मैं HD और एक्सट्रीम पे खेलता हूँ, कलरफुल करके इसको डिसेबल करके हम जो ब्राइटनेस है 120-130 करके इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ओके हो जाएगा तो ये मेरी सेटिंग मतलब मेरी जो प्रॉपरली सेटिंग होती है वो हो जाएगी। मैं लो करके 24 DPI पे खेलता हूँ। तो अभी मैं गेम लगा के दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी जैसे कि फर्स्ट गेम है तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ऐसा रेंडर जल्दी होगा नहीं, पर बाद में जो आपको गेम चलेगा ना एकदम स्मूथ चलेगा, बहुत ईजी चलेगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसको आज ही सुबह इस पूरे सेटिंग को आजमा के देखा और मेरा खुद का कल बहुत लैग मारा था, तो मैंने सोचा चलो आज न्यू सेटिंग लेके आते हैं और साथ ही साथ वीडियो भी डालते हैं उसके ऊपर। तो मैंने न्यू सेटिंग लगाया, वीडियो बनाया और भी आप देख सकते हो आप मेरे सामने कि अभी लोडिंग में आएगा।
तो गाइस जैसे कि मैं ऑफलाइन प्लेयर के साथ पीछे आ गया, तो आप देख सकते हो गाइस जैसे कि मेरा ओबीएस ऑन होने के बाद भी मेरा जो एफएस है 43 39 ऐसे दे रहे, ठीक है। तो ये एफएस जो 59 जरूर देंगे, इसके लिए हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखी है, क्योंकि उधर मैं स्क्रीनशॉट जरूर डाल दूंगा, लगे तो वीडियो डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट से आपको नहीं पता चला तो मैं वीडियो डाल के आपको बता दूंगा कि ये 59 60 एफएस देता ही देता है। तो अभी भी देखो मेरे 46 42 ऐसे एफएस दे रहे आराम से इजीली, क्योंकि ये सेटिंग किया हमने, बहुत इजीली देंगे। और आपका जो पीसी स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो मेरे पीसी स्पेक्स आपको देखने तो डिस्क्रिप्शन में अब डाल दिया है मैंने, आप उधर से देख सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो को मजा आया, और इस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ सेटिंग आपको पता चल गया। तो जल्दी से आपके एमुलेटर पर जाके सेटिंग करवा दीजिए और लैग फ्री गेम आराम से खेलिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।